हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, RPSC ने उम्मीदवारों को फिर से एक बहुत बड़ा झटका दिया है। यानी कि दोस्तों, अगर RO और ERO की रिजल्ट का उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं तो RPSC की तरफ से उन सभी को एक बड़ा बहुत झटका मिलने वाला है, क्योंकि RPSC RO और ERO की जो रिजल्ट है वो अभी बिल्कुल ही नहीं जारी करेगा। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों उम्मीदवार भी चाहते हैं कि जो इसकी रिजल्ट है वो RPSC डिक्लेयर ना करे। दोस्तों, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, विथ नोटिस विथ प्रूफ के साथ सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और दोस्तों, RPSC इसकी जो परिणाम है वो कब तक जारी करेगा उसके बारे में जो ऑफिशियली ऑथेंटिक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही बड़ी योजना बनाई जा रही थी रिजल्ट जारी कराने को लेकर। पर दोस्तों, उम्मीदवारों के तरफ से जो अपडेट मिली वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, जिसको लेकर ये सारी योजना वहीं पर जो है दोस्तों निरस्त हो गई। और दोस्तों, उम्मीदवार क्यों नहीं चाहते हैं कि जो इसकी परिणामें हैं वो RPSC जारी करे, आखिर क्यों नहीं चाहते हैं, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ग्रुप के अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि RO और ERO के जितने उम्मीदवार हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दोस्तों देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि राधे मीना सर की तरफ से यह अपडेट आया था, जिसमें कि उनके तरफ से यह पोलिंग कराई गई थी कि जो उम्मीदवारों की जो डिमांड है वो क्या होने वाली है। यानी कि दोस्तों, RO और ERO रिजल्ट यहां पर जारी करवाने को लेकर यहां पर जो है क्या चाहती है, यहां पर जो उनकी मांगे हैं वो क्या होने वाली हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देते हैं कि लगभग 6 घंटा पहले ये अपडेट है जिनकी तरफ से, यहाँ पर 4,144 उम्मीदवार इस पोलिंग के अंदर आए हैं और उनकी जो मांगे हैं वो क्या हैं, जिसमें कि देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों 44% उम्मीदवार चाहते हैं कि जो इसकी है परिणामे जारी होए, और जो इसकी RO और ERO की जो परिणामे हैं वो 56% उम्मीदवार चाहते हैं कि दोस्तों ना जारी होए। पर दोस्तों, ऐसा क्यों वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि आखिर उम्मीदवारों द्वारा क्यों चाहा जा रहा है कि इस भर्ती की जो रिजल्ट है, जो परिणामे हैं वो जारी ना जाए, जितना डिले करना है RPSC इसे डिले कर सकता है। तो दोस्तों, वो क्या वजह है उसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दोस्तों देने वाला हूँ, जिसमें की तरफ से उनकी तरफ से यह अपडेट दिया गया है। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है उम्मीदवारों के लिए, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बताया गया उनकी तरफ से कि RO और ERO भर्ती पेपर लीक को लेकर, यहाँ पर जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर यहाँ पर तो बताया गया परंतु OMR में खेल हुआ बताया गया। उस समय रद्द करवाने की जो मांगे थी वो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी, लेकिन खुद यहाँ पर जो है खूब कोशिशों के बाद भी जो उम्मीदवारों द्वारा जो कोशिशें की, उस कोशिशों के बाद भी जो पेपर है वो रद्द नहीं हो पाया और रद्द नहीं हो पाया। तो अब उम्मीदवारों की जो मांगे हैं, जिसमें कि 44% जो उम्मीदवार चाहते हैं कि या कोशिश कर रहे हैं कि इस भर्ती की जो परिणामे हैं वो यहां पर जारी कर दी जाए और जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा कर दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो पेपर लीक का मामला था उसको लेकर उम्मीदवार चाहते थे कि इस भर्ती के अंदर निष्पक्ष जाँच किया जाए, पर उम्मीदवारों के सामने कुछ ऐसी अपडेटें नहीं निकल पर आ पाई इस पेपर लीक को मामले को लेकर। OMR में बताया गया पर तब भी उनके बातों को पूरे तरह से रद्द कर और इस भर्ती की जो नेक्स्ट स्टेप है उसे यहां पर जारी किया गया। तो इसीलिए उम्मीदवार जानते हैं कि इसके अंदर यहां पर पेपरों के अंदर धांधली हुई है, जिसमें कि उम्मीदवार जानते हैं कि जो सीटें हैं वो भी ऑलमोस्ट बिकी ही हुई हैं। जब पेपर के अंदर धांधली हुई है तो हर चीज़ एक अलग लेवल पर किया जाएगा, और जो उम्मीदवार अपने मेहनत पर जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल थे वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए ज़्यादा परसेंटेज चांसेस है उम्मीदवारों की, वो चाहते हैं कि इस भर्ती की रिजल्ट आए या ना आए उन्हें उम्मीदवारों को कोई भी मतलब नहीं है। पर दोस्तों, कुछ उम्मीदवार हैं जिनको लेकर जो भी रणनीतियाँ हैं कि उन्हें अपने चांस पर यहाँ पर अपने मेहनत पर पूरे तरह से विश्वास है कि RPSC हमारे साथ यहाँ पर कोई भी छलावा नहीं करेगा और जो रिज़ल्ट है वो पूरे तरह से पक्षपात के साथ जारी करेगा। तो इसीलिए दोस्तों रिज़ल्ट को लेकर जो काफ़ी कन्फ्यूज़न है, जो आवाज़ें उठने की बात है वो यहाँ पर जो है थम जा रही हैं, और इसीलिए RPSC इस रिज़ल्ट को और भी डिले कर रहा है। पर दोस्तों, बताया जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले उम्मीदवारों की जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर सितंबर के एंड ऑफ द मंथ में जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए अपडेट निकल कर आ रही थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर किया गया। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के दोस्तों जय हिंद।